क्वेश्चन है आईटी 1998 का, क्या है इंटीग्रल माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो आप पढ़ते पढ़ते थक गए होंगे कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। अगर किसी को यह नहीं पता हो तब भी आप इसका सेपरेट निकालना, इसका सेपरेट निकालना तब भी बना सकते हो। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आप जानते हो, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वन है, ये आपका क्या है वन है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी भी इंटीग्रल वैल्यू अटेन नहीं करता सिवाय जीरो के अलावा, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है, जीरो से वन के बीच में। ठीक, तो अब आप देखो ये, और हमें कहां से माइनस वन से वन तक, तो यहीं तक बॉर्डर करेंगे हम। ठीक है, और ये है माइनस वन, ये आपका हुआ। अब आप देखो क्लियर कट हमें ग्राफ दिख गया, आप जानते हो इंटीग्रल क्या होता है एरिया अंडर द ग्राफ, तो कौन सा एरिया आपका आएगा माइनस वन से वन के बीच में, क्या है ये वाला एरिया, और दूसरा कौन सा ये वाला एरिया। ठीक है, ये दोनों एरिया कंबाइन कर लो, तो इसका एरिया क्या आएगा, इस वाले का एरिया आएगा, इसको बेस मान लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइट है, तो हाफ बेस कितना वन और हाइट कितना वन, प्लस सिमिलरली इस तरफ भी बेस कितना वन और हाइट कितना वन, तो हाफ प्लस हाफ विच इज इक्वल टू वन, तो यही इसका फाइनली आंसर है। ठीक है, यही इसका फाइनली आंसर है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए।